नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है आरएमएस क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे बाबू एक्सरसाइज वन का भी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने एक्सरसाइज वन का ये देख लिया होगा। ठीक है बाबू, तो आपको काफी अच्छे वीडियो का कंटेंट भी मिलेगा और क्वालिटी आप देख रहे हो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी भी मिलेगी। ठीक है, तो आइए हम एक्सरसाइज वन का भी देखते हैं। तो एक्सरसाइज वन का भी पढ़ने के पहले हम थोड़े बहुत इसके पॉइंट समझ लें कि आखिर किसको हम क्या करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज वन के बीम बाबू आपको सबसे पहले जानना है कि अभाज्य संख्या किसे हम कहते हैं। ठीक है बाबू, क्या हो जाता है अभाज्य संख्या। ठीक है, जिसे यदि हम इसे हम प्राइम नंबर भी कहते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर हो गया, और इसे कभी कभी हम रूट संख्या भी कहते हैं, रूट संख्या। ठीक है, चलो तो आपको यदि प्राइम नंबर भी कहे तो इससे में अभाज्य संख्या और रूट संख्या तीनों एक ही। ठीक है, समझते हो कि पर्यायवाची शब्द, तीसरी इसका पर्यायवाची शब्द। हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या प्राइम नंबर होता क्या है। तो प्राइम नंबर होता है बाबू कि वैसी संख्या जो अपने आप से कटे। ठीक है बाबू, किसे कटे, जो अपने आप से कटे या तो वह एक से कटे। ठीक है, या तो वह एक से कटे या तो अपने आप से कटे, इसके अलावा वह किसी और नंबर से नहीं कटे, उस नंबर को हम क्या कहते हैं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे आपको तुमको मिल जाएगा 2, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 होगा, ऐसे ऐसे कहां तक इन्फिनिटी तक। ठीक है, चलो ये सारा जो नंबर है जो क्या है, या तो ये दो जो है, या तो दो दो से कटेगा नहीं तो एक से कटेगा, उसके अलावा कोई नंबर से कटेगा नहीं कटेगा। 3 में भी सेम केस है, 5 में भी वही केस है, 7 में, 11 में, 13 में, सब में वही सेम चीज। ठीक है बाबू, चलो तो अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज वन में तुमको फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन तुमको क्या कहा कि घन गुणक पी अभाज्य होगा। ठीक है, यदि P में केवल और केवल किससे भाग लेंगे, तो P में केवल क्या होगा, वो केवल P में क्या होगा, P P और एक से भाग लेंगे, नहीं तो इसको भी कह सकते हैं कि एक और P से भाग लगे। ठीक है, या तो P और एक से भाग लगे, नहीं तो एक और P से भाग लेंगे, वो अपने आप से नहीं तो एक से। अब क्या कि संख्याओं को अभाज्य गुणनफल में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो कौन से संख्या को अभाज्यों के गुणनफल में जो संख्या लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, यौगिक संख्या कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, यौगिक संख्या कहते हैं। ठीक है बाबू, चलो इसमें तुमको कहीं कभी को प्राइम नंबर भी पढ़ना रहता है। ठीक है, तो को प्राइम नंबर कहा जाता है बाबू को वैसे संख्या जिसका जो फैक्टर हो वो भी क्या हो, प्राइम नंबर हो। जैसे हम जैसे और जो नंबर होगा ना उसका जो फैक्टर हो जाता है क्या होता है, प्राइम नंबर हो। जैसे हम 4 का कहें तो 4 का फैक्टर क्या होता है, 2 गुना 2। ठीक है, चलो तीस केस को अब आगे आ जाओ। दो पूर्णांक ए और बी सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो यदि मसह, यदि मसह इसका जो है तो ए और बी है, तो जो हो एक क्या होगा, दो पूर्णांक सह होता है, यदि मसह ए और बी है तो संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यदि ए और बी दोनों सह अभाज्य संख्या है, दोनों क्या है अभाज्य संख्या है। जैसे मान लेते हैं कि हम 2 और ले लें, 3 ले लें। ठीक है, ये दोनों अभाज्य संख्या है, ये दोनों अभाज्य संख्या और दोनों सह अभाज्य संख्या, मतलब कि 2 को साथ ही हम लिख रहे हैं ना, जिसमें हम सह अभाज्य संख्या लिखते हैं। ठीक है, तो इसका मसा क्या हो जाएगा, तो 2 और 3 का मसा निकालना, 2 और 3 का मसा क्या हो जाएगा, एक मिनट तो मैं नहीं करूंगा, तो 1 से फिर 2 कटेगा तो पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा, इसका जो मसा होगा क्या होगा, हमेशा 1 होगा। यदि 2 अभाज्य संख्या यदि तुमको मिल जाए उसका मसा पूछ रहा है, तो उसका हमेशा जो मसा होगा क्या होगा, 1 ही। ठीक है, 48 और 30 का मसा पूछ रहा है तुमको, तो 48 और 30 का मसा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 30 दे दिया ना, तो 30 एक बचन बच गए 48 ना चिपका दो, तो मसा क्या है तुमको, ए और बी दे दिया, और लसा क्या है, ए और बी दे दिया है, तुमसे क्या पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है, तो संख्या क्या हो जाएगा तुमको बाबू, एक ए हो जाएगा और एक बी हो जाएगा। ठीक है, संख्या क्या होता है, लसा गुना मसा होता है। ठीक है, यानी ए और बी। ओके बाबू, चलो अब बढ़ जाते हैं सेकंड नंबर। चलो बाबू अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्न गुणन खंडों में अज्ञात संख्याओं को ज्ञात करें। ठीक है, तो अज्ञात संख्या कैसे ज्ञात करें, तो यहां पर तुम देख लो बाबू, ये 2 है 17 है ना, तो संख्या क्या हो जाएगा, 2 और 17 क्या हो जाएगा, इसको गुणा कर दो, 2 गुना 17 क्या हो जाएगा, 34 ना, तो 34 हो गया। ठीक है, यहाँ पर बी ने कह रहा है तो 2 गुना 34 क्या हो जाएगा, 68 ना, तो 68 हो गया, और 2 गुना 68 क्या हो जाएगा, 136 ना, तो 136 हो गया। ठीक है, तो नंबर क्या क्या तुमको आ गया, 1 हो गया 34, 1 हो गया 68 और 1 हो गया 136। ठीक है, चलो तो ए का वैल्यू 136, बी का वैल्यू 68, सी का वैल्यू 34।
अब क्या सबसे ऊपर की संख्या अन्य संख्याओं को बिना ज्ञात के मालूम की जा सकती है? तो क्या कर रहा है कि सबसे ऊपर की संख्या, ठीक है, ये जो है अन्य अभाज्य संख्याओं को बिना ज्ञात किए मालूम की जा सकती है, की जा सकती है तो कैसे की जा सकती है? ठीक है, तो कह रहा है कि मालूम करेंगे या नहीं, तो सपोज करो कि हम इसको मिटा देते हैं पहले, उसका बाद प्रयास करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि मालूम करके देखाओ कि ये जो संख्या होगी वह क्या होगी, ठीक है। चलो तो देखते हो, तो यहां पर देखो ए अंक तो हमको पता नहीं है, और ना ही ए अंक पता है, नहीं ये हम पता। यहाँ पर देख लो ना बाबू, क्या है, दो है, दो है, दो है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 2 × 4 × 8 आ रहा है, और 8 में किसे गुना करना है, 17 से गुना करना है, ठीक है, क्योंकि तीनों अभाज्य संख्या है ना, देखो ना, दो है, ये भी दो है, और ये भी दो है, ठीक है। चलो तीन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 2 × 4 × 8, तो 17 में 8 से गुना करो, तो 17 10 80 80 56 ना, 136 आ गया, 136 आ गया, तो बिना नीचे वाला को ज्ञात किए हम इसको ज्ञात कर लिया, तो यही कह रहा था। तू तो सेकंड पर आ जाओ, सेकंड तुमको दे दिया ये 8 दे दिया है, और ये 72 दे दिया, तो 8 में कितना से गुना करोगे तो 72 आ जाएगा, तो सिंपली जानते हो 9 से, तो यहाँ पर 9 कर दो, ठीक है। और 8 में यहाँ पर 3 नंबर दे दिया है, ठीक है, तो 8 का फैक्टर निकालोगे तो 3 नंबर कौन कौन हो जाएगा, तो 8 का फैक्टर निकालोगे क्या होगा, 2 × 2 × 2, ठीक है, 8 का फैक्टर निकालो, 2 से लगाओगे ना तो 4 हो जाएगा, पुनः 2 से लगाओगे 2 हो जाएगा, पूरा पूरा कट, 9 है ना, तो 9 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 ना, तो 3 × 3, ठीक है। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर, निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो सबसे पहले 124 आ गया बाबू, तो 124 का गुणनखंड कर लो, तो 2 से लगाओ, सबसे पहले 2 से ही लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 62, फिर 2 से लगाओ तो क्या हो जाएगा, 31, हमने नहीं कट रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, 124 का 2 × 2 × 31 में 31, सेकंड पर आ जाओ, 156 है तो 156 करो, 2 से ही लगाओगे, 2 से लगाओ तो क्या हो जाएगा, 75 × 150 में होता है, तो 75 × 3 78 हो गया, फिर 2 से लगाओ तो क्या हो जाएगा, 39 ना, अब यह 2 से नहीं लग रहा है तो 3 से लगा दो तो 13 हो गया, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 13 हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है तुमको, 140 ना, तो 140 का देख लो, तो 140 का क्या हो जाएगा, 2 से लगाओ 70, 2 से लगाओ 35, 5 से लगाओ 7, क्योंकि 2 से भी लगेगा नहीं, आगे 3 से भी लगेगा, तो बस कौन मिल गया, 2 ना, तो 2 × 2 × 5 × 7 हो गया बाबू, है। चलो अब आगे आ जाओ, कौन है, 5005 ना, 5005 क्या कर लो, तो 5005 में 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, देख लो 3 × 16 = 48, 5 × 5 = 10, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से डायरेक्ट लगाते हैं, तो 5 से क्या हो जाएगा, 100, 1001, फिर 5 से कट रहा है, 5 से फिर तो नहीं कट रहा है, तब देखते हैं किसे कटेगा, 7 से लगा के देखते हैं, 7 × 7 = 3, सचू को 28 7 से कट जाएगा, 7 × 7 = 3 ना, तो सोचो को 28, तो 2 × 1 ना, 10 × 7 = 21, अब पुनः 7 से कटेगा, 7 से तो नहीं कट रहा है, अब देखो कौन से कट रहा है, 7 से नहीं कटेगा तो 8 से नहीं कटना है, 9 से नहीं कटना है, क्योंकि 3 से नहीं कटता, 10 से कटेगा, 11 से लगा के देखो, तो 11 × 11 = 3, 11 से कट जाएगा, तो 11 × 11 ना, 3 × 11 = 33, यानी इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 × 7 × 11 गुना क्या होगा, 13 ना, 13 हो गया, अब कौन बच गया, 32760 में, 32760, इसको भी देख लो, 2 से लगा लो तो 2 से क्या हो जाएगा, 16 × 38 × 76 = 0, पुनः 2 से लगाओ 8 × 19 = 5, अब 2 से नहीं लगेगा, अब 2 से नहीं लगेगा, तब जब 2 से नहीं लगेगा तो कौन किस से लगा दोगे, 38 × 7, चलो तो 3 से लगा कर 2 से तो कटने वाला नहीं है, तो 3 से लगाते हैं, 3 से भी नहीं कटेगा, 9 × 5 = 16 × 1 = 17 × 8 = 25 ना, 3 से भी ना कटना है, 5 से लगा कर देख लो, तो 16 × 5 क्या हो जाएगा, 80 ना, तो 16 × 25 = 1 और 9 ना, तो 5 × 15 15 × 45, तो 16 × 39 को देखो, 16 × 39 किससे कट रहा है,
इसे तो कट नल लगा ना रहा है, लेकिन 12 अब लगा कर देते हैं 7 से इसको, तो 7 2 नी 14 ना, 2 3, 7 से भी नहीं कटना है, लग तो नहीं रहा है, 7 2 नी 14 हो गया, तो 2 3 21 9, 11 से देख लो, 11 1 11 11, हाँ 11 से करते हैं, 11 1 11 ना, तो 5 और 3, 11 6 44 और 9 9, तो 11 9 99, अब 149 आ गया, तो 149 11 से कटेगा ना, 13 से 13 1 कम ना ही, 149 जो है किसी नंबर से नहीं रहा है। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में तो गया है ना 32 76 0 ना, 32 76 और 0, आगे कर लो, तो 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 16 2 32, 38 2 76, 5 2 10 ना, 5 2 10, 16 38 5 हो गया, अब 2 से कटने वाला नजर आ रहा है तुमको ना, 3 से देख लो तो 8 5 13, 13 3 16, 16 6 22 1 23 ना जी, जब एक कट ही नहीं रहा है तो 3 से कटेगा नहीं, 5 से लोग आकर देखते हैं, तो 5 से कहा जाएगा 5 15 ना, 1 और 3 तो 5 2 10 ना, तो 3 9 8, 5 7 35, फिर 5 से लगा कर देखो तो 5 6 30 ना, 2 7 5 5 25 ना, 2 5 ना, 5 5 25, 9 5 से लगा लो, 13 5 65 यानी 131 हो गया, 11 से कटेगा, 11 से कट जाना चाहिए, 11 ही कम 11 ना ही जी, 11 से कहाँ कटेगा, अभी कोई नंबर से नहीं कटना, कटने वाला लग रहा है, तो ये लिख दो, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 131, एक और 5 ना है, एक और 5, ठीक है। चल अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चल अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्या करें कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 6 और 20 का मसा ज्ञात करना, ठीक है, चलो तो 6 और 20 का नमसा, तो 6 का फैक्टर लिख लो सबसे पहले, तो 6 का फैक्टर क्या हो, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से मसा निकालना, तो सबसे पहले काम हम क्या करना चाहिए, फैक्टर निकालना चाहिए, तो 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिखते हैं 2 हो गया और 3 हो जाएगा, और 20 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 5 हो गया, तो जो दोनों में शामिल वही मसा हो जाता है, ठीक है, तो इसमें दोनों में कौन शामिल है, ये दो एक ही दोनों शामिल, तो 1 2 इसका मसा हो जाएगा, ठीक है, और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम जो सबसे पहले ऊपर वाला को हम लिख लेते हैं 2 गुना 3, अब यहाँ पर 1 2 पहले से ही ना है तो उसको छोड़ देंगे, 1 2 और है ना इसमें एक्स्ट्रा, ये लिख देंगे, 1 और 5 ना, 1 और 5 लिख देंगे, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 बजे 60, ठीक है, सेकंड पर आ जाओ, 17 और 25 में है, तो 17 का क्या हो जाएगा, 1 गुना 17, और 25 का क्या हो जाएगा, 5 गुना 5, कुछ नहीं तो 1 लिख लो, तो इसमें भी दोनों में 1 ही ना शामिल है, तो किसका हो गया एचसीएफ, ठीक है, क्या हो गया यह एचसीएफ, एलसीएम पर आ जाओ, एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, पहले तो 1 गुना 17 चुपचाप लिख दो, और नीचे जो भी है सो भी लिख दो, 5 गुना 5, तो दोनों के गुना करके क्या हो जाएगा, 5 5 25, 25 में 17 से गुना करो तो क्या हो जाएगा, 425, इसका लसा कितना जाएगा, 425 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है तुमको, 510 और 92, ठीक है, तो 510 का फैक्टर निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, 2 कर लेंगे, 510 का यदि फैक्टर निकालना चाहो तो इधर निकाल लेते हैं, तो 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 255 हो जाएगा, ठीक है, अब 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, 3 8 24, 3 से लग जाएगा, 3 8 24, 1 5 ना, तो 85 हो जाएगा, अब 3 से ना, 5 से तो 17 5 85, अब कटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और 1 92 ना है, तो 92 क्या कर दो, 2 गुना 2 गुना 23 ना, 23 हो गया,
ठीक है, तो देख लो तुम, एचसीएफ क्या हो जाता है, जो दोनों में शामिल हो, तो दोनों में कौन शामिल है, सिर्फ एक ही दोनों शामिल है, इसका एचसीएफ 2 हो गया। और एलसीएम पर आ जाते हैं, तो एलसीएम पर पहले तो ऊपर वाले जो है सबसे लिखते हैं, 2 × 3 × 5 × 17, एक दो पहले से नहीं, एक दो छोड़ देंगे, एक दो आ रहा है ना, एक दो और लिखने बाद 23 में है, 23 लिख देंगे, सबको गुना कर दोगे तो सबको गुना कर दोगे तो आ जाएगा 23 46 0। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। इसमें 6 72 120 ना है, तो 6 पर आ जाओ, तो 6 का क्या आ जाएगा, 2 × 3। नेक्स्ट का है 72 ना, तो 72 का क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 3, देख लो ना, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, 24 = 72 हो गया। अब एक और कौन हो गया, 120 ना, 120 का लिख लो, 2 × 2 = 4, तभी 30 लगेगा ना, तो एक और लगेगा। अब हो गया 15, 15 का क्या हो जाएगा, 3 × 5 हो गया, देखो ना, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, 24 = 120। एच सी एफ क्या हो जाता है, जो दोनों में शामिल हो, यही ना, तो दोनों में कौन शामिल है, एक दो एक दो एक दो एक दो, तीनों में दो है, एक और शामिल, तीन इसमें भी, तीन इसमें भी, तीन इसमें भी, एक और 3 हो जाएगा, तो द्वितीय 6 इसका एच सी एफ हो जाएगा। अरे एलसीएम तो सबसे पहले एक बड़ा वाला को लिख लो, तो कौन है, कोई भी लिख लो ना, 2 × 3 ही लिख लेते हैं, ठीक है, एक दो और एक तीन छोड़ करके बाकी सब लिख दो, तो 2 को 2 और 1 को 3 और लिखा जाएगा ना, तो 2 2 और 1 3 लिखा गया। तब देख लो हमने, अब इसमें क्या हो गया, हमने कितना लिख लिया है, 3 2 और 2 3 लिख लिया है ना, तो 3 2 और 2 3 यानी 5 एक बच गए ना, तो 5 1 लिखते हैं, 3 तो लिखा गया पहले से, कर लो, 3 × 6 6 × 12 12 × 24 24 × 72 72 × 3 360 ना, तो 360 हो गया इसका। ठीक है बाबू, चलो, तो 3 वाला में करवाना नहीं, कोई भी एक तुम लिख लो, और उसके बाद वो रिपीट नहीं होना चाहिए ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे रिपीट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखो, तो यहाँ तक हम लिख लेते क्या होता, 2 सॉरी 3 2 रिपीट हो गया था, इसमें 3 तो लिखाएगा नहीं, और 2 3 रिपीट होगा, तो 1 3 इसमें है ही, तो 1 3 तो लिखाएगा, तो 5 1 बच गया, तो जो बच जाता है वो लिखा, 5 हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें, नेक्स्ट में तुमको क्या करा है, 17 23 और 29 है, तीनों देखेंगे लग रहा है कि 17 भी क्या है रूट नंबर है, 23 भी क्या है रूट नंबर है, मानी आभाज संख्या है, और 29 भी क्या है इसका आभाज संख्या है, इसका डायरेक्ट जो हम एचसीएफ लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट इसका एचसीएफ यदि हम लिखना चाहें, तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तीनों को गुना कर देना, यानी 17 × 23 × 29, ठीक है, जो गुना करके आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा, 11 33 9, गुना तुम खुद चेक करके चेक कर लेना। नेक्स्ट आ जाओ, 540 ना, तो 540 के कर लोगे तो क्या होगा, 2 कर दोगे तो 2 करोगे तो 270 आ गया ना, फिर से 200 कर दोगे तो 135 आ जाएगा, अब 135 किससे कटेगा, 3 से ना, तो 45 हो जाएगा, फिर 3 से करोगे तो 15 हो जाएगा, फिर 3 से करोगे तो 5 हो गया, 5 दो दुनी 4 4 12 12 36 36 108 108 540 हो गया, 805 ना, 805 ये तो 2 से लगेगा नहीं, 3 से 8 5 13 ना, 5 से डायरेक्ट, तो 5 से डायरेक्ट कर दोगे तो कहाँ हो जाएगा, 161 आ जाएगा, 161 किसी से लगने का तुमको उम्मीद है, 161 11 से चांस 11 5 1 चांस नहीं है, 13 से 13 चांस नहीं है, 17 से 17 ना चांस नहीं, 161 लिख देते हैं, बाकी यदि कुछ होगा तो मैनेज कर लेते, ये क्या है 990, तो 990 कर लो, तो 990 2 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 485 ना, सॉरी सॉरी 495, 49 98 ना होता है, 990/2 तो 2 से 4 1 9 2 9 18 495 सही है, 495 9 4 13 5 18 कट जाएगा, तो 3 से लगाए तो 16 3 48 है, 1 5 ना, यानी 165, 165 को क्या लिख सकते हो, 31 5 है ना, तो 5 × 31, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा,
इसका एलसीएफ ध्यान से देखो, तो इसका एलसीएफ भी क्या होना चाहिए, पांच इसमें भी है, पांच इसमें भी, पांच इसमें भी ना, तो एलसीएफ इसका हो जाएगा पांच, और एलसीएफ क्या हो जाएगा, तीनों को गुना कर दे, सबको गुना कर देंगे, एंथ्रा से पहले ऊपर वाला सम से लिख दो, क्या है, दो गुना, दो गुना, तीन गुना, तीन गुना, पांच ना। अब देखो पांच यहाँ पहले ऐसे है, तो सिर्फ एक सौ एक सौ लिखाएगा, दो तीन पांच पहले से, तो सिर्फ यहाँ 31 लिखाएगा, ठीक है, गुना, तो सब गुना कर दो तो क्या रहता है, नौ पांच छ तीन चार जीरो, ठीक है, गुना कर लेना। आखिरी क्वेश्चन आ जाओ, क्या है, आठ और 25 ना, तो आठ नौ 25 को देख लो, तो आठ का क्या हो जाता है, दो गुना दो गुना दो, नौ का क्या हो जाता है, तीन गुना तीन, और 25 का क्या हो जाएगा, पांच गुना पांच, ये तीनों में कोई नहीं रिपीट हो रहा था, सिर्फ एक हो जाएगा इसका एचसीएफ, एलसीएफ तीन का, तो दो गुना तीन गुना तीन गुना पांच गुना पांच, गुना कर दो, 2 दिन 4, 4 दिन 8, 8 3 24, 24 72 75, 360, 35 25, 180 ना, यानी 1800 आ गया। ध्यान से देख लो एलसीएम क्या हो गया, पहले तो ऊपर वाला तीन में लिखते, अब देखो ना दो कहीं है नहीं ना, सिर्फ तीन है, तो तीन तो ऊपर में है ही नहीं था, तीन में लिखा गया, अब देखो पांच ऊपर में नहीं, तो दोनों में तो पांच लिखा,